जेपीएससी झारखंड जीएस पेपर टू का सेट टू पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस पेपर टू सेट टू के फर्स्ट क्वेश्चन मुंडा शासन में पाहन को सहायक कहा जाता है तो क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन में डायरेक्ट हम हिट करते हैं आंसर पे पुजार या पनभरा। तो हमने कहा था धार्मिक से रिलेटेड है तो पुजारी को पुजार बोलकर किया गया है। हाँ पनभरा पनभरा ये सब स्टेटमेंट पर फोकस करने का काम करेंगे। ठीक है मतलब जो भी धार्मिक से रिलेटेड काम है वो क्या हो गया पाहन। ठीक है लेकिन इसका जो सहायक होगा हेल्पर होगा तो पौसे पाहन पौसे पुजार पौसे पनभरा ऐसे याद रखने का काम आप कर सकते हैं। तो हमारे क्लास में साथ ही साथ कैसे याद रखें इन सारी बातों पर भी हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे। आप देखो नागवंशी राजा मधुकर शाह तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो रहेगा मधुकर शाह किस वंश से तो नागवंशी से। किस वंश से नागवंशी से तो याद रखिए मधु नाग लोग को पसंद होता है। और अकबर के प्रतिनिधि के साथ हुए संधि के बाद किस वर्ष से नागवंशी राजा एक करदाता राज बन गया है ना। आप देखोगे इसका मतलब कहा जा रहा अकबर और मधुकर के बीच किस संधि के बाद से नागवंशी राजा टैक्स देने लगे तो 1585 याद रखिएगा। इसका मतलब नागवंशी मधुकर और अकबर के बीच 1585 में जो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद वो करदाता राज बन गया। इसका मतलब नागवंशी 1585 के बाद से क्या हो गया आप देखोगे वो राजा बन गया मतलब कि करदाता राज बन गया। नेक्स्ट पढ़ा बोले तो उड़ाव की शाखाएं हैं तो कौन शाखाएं हैं तो आप देखोगे ये अतखा डाडा वो भूली ये तीनों आप देखो शाखाएं देखने को मिलती है। तो पढ़ा की शाखाएं अतका डाडा भूली पढ़ा। नेक्स्ट मांझी है ना प्रगना शासन व्यवस्था में मतलब मांझी संथाल प्रगना शासन व्यवस्था में मांझी किसके अधीन काम करता है तो प्रगना के अधीन याद रखोगे मांझी प्रगना शासन व्यवस्था में मांझी किसके अधीन काम करता है तो आप देखोगे प्रैक्टिस सेट में सब्जेक्ट वाइज में क्वेश्चन आप लोगों को हमने बताया भी था इसलिए आप हमारे क्लास में आप बने रहने का काम कर सकते हैं। और साथ ही हमारे YouTube चैनल में भी आप क्लास को रिवीजन करने का काम कर सकते हैं ट्रिकी वाइज। तो आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया प्रगना कहा जा रहा है कि यह प्रगना के आदेश का पालन करता कौन तो मांझी प्रगना के आदेश का पालन करता है। पुराने समाज में मांझी द्वारा खजाना प्रगना के पास जमा किया जाता था याद रखिए खजाना किसके पास जमा किया जाता था प्रगना के पास परंतु वर्तमान में खजाना मांझी द्वारा सीधे नियुक्त पदाधिकार के पास जमा किया जाता था। याद रखिए पहले प्रगना के पास पैसे जमा किए जाते थे लेकिन अभी वर्तमान में वो मांझी द्वारा सीधे नियुक्त पदाधिकार के पास किए जाते तो पहले पौसे प्रगना और अभी पौसे पदाधिकारी हो गए। ठीक है नेक्स्ट मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कंपनी सरकार के किस पदाधिकार ने मान्यता प्रदान की थी याद रखिए मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कंपनी सरकार के किस पदाधिकार ने मान्यता प्रदान की थी। ठीक है तो विल्किंसन याद रखेंगे विल्किंसन ने आप देखोगे क्या थी कही थी मान्यता प्रदान दी थी। नेक्स्ट ढोकलो सोहर ये ढोकलो सोहर खरिया शासन व्यवस्था में महत्व का क्या कार्य होता है महतो का क्या कार्य होता है क्या महतो गांव का सम्मानित सदस्य होता है या ना में जवाब दे तो जी हाँ होता है। जिसने गांव बनाया या बसाया उसे महतो कहा जाता है तो जी हाँ सही है। ठीक है नेक्स्ट आप देखोगे ठीक है तो सही है महत्व पद वंशानुगत होता है तो जी हाँ
ये आप देखो सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखोगे अगला क्वेश्चन, देखिए आंसर दीजिए, अगला आंसर दीजिए क्या है। परिहा जनजाति की शासन व्यवस्था में महत्व का सहायक क्या कहलाता है, ठीक है। परिहा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महत्व का सहायक क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है आप देख सकते हो, तो कहतो या खतो कहलाता। परिहा जनजाति की शासन व्यवस्था में महत्व का शासक, अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या बताया जी, आप देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन पाहन का सहायक, तो पाहन का सहायक पुजार, पौसे पहर पाहन पौसे पुजार पौसे पन पन भा, पन भरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर महतो का सहायक, तो महतो कहतो ऐसे बोल के याद रख लीजिए, महतो कहतो हो गया यार, ये नहीं कि महत्व का महत्व ऐसा टिक नहीं करेंगे, तो महत्व का सहायक कह तो मिलता जुलता वर्ड है, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखोगे चेरो जनजाति में गांव और अंचल स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो गांव और अंचल स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो मुखिया, याद रखे गांव और अंचल स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं, गठित पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं, नहीं। और आप देखोगे इसका, और जिला स्तर पर अगर वो रहे तो उसको सभापति कहते हैं, तो देख लीजिए जिला स्तर पर अगर कोई प्रधान रहे तो उसको सभापति कहते हैं, ठीक है। लेकिन गांव और अंचल स्तर पर, ध्यान दीजिए इस बात पर, गांव और अंचल स्तर पर अगर कोई प्रधान रहे तो उसको मुखिया कहते हैं, और जिला स्तर पर कोई पंचायत का प्रधान हो तो उसको सभापति कहते हैं। नेक्स्ट 1949 से 50 में आदिवासी महासभा और यूनाइटेड झारखंड पार्टी ने संयुक्त रूप से किस पार्टी की स्थापना की थी, तो किसकी स्थापना की गई, तो देखो झारखंड पार्टी, या देखिए 49-50 डेट से भी है। आप देखो मैंने शुरू में कहा कुछ भी क्लू मिले उससे आपको टिक मार देना, क्योंकि 1949-50 में हमेशा आप याद रखते हो झारखंड पार्टी, इतना लंबा स्टेटमेंट देख के दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, तो फिर भी सारे स्टेटमेंट पर भी फोकस कीजिए। 49-50 में आदिवासी महासभा और यूनाइटेड झारखंड पार्टी ने संयुक्त रूप से किस पार्टी का स्थापना की, तो झारखंड पार्टी, तो झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ, 49-50, ठीक है। किस पार्टी के संयुक्त रूप से हुई, तो आदिवासी महासभा और यूनाइटेड झारखंड पार्टी। नेक्स्ट छोटा नागपुर अलग राज्य की मांग, साइमन कमीशन के आगमन पर झारखंड की किस संस्था ने की थी, छोटा नागपुर अलग राज्य की मांग, साइमन कमीशन के आगमन पर झारखंड के किस संस्था ने की थी, ठीक है। तो अब साइमन कमीशन की अगर बात करेंगे तो 1926 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 27-28 की बात कर रहे हैं, है ना जी, सीधी सी बात है, तो उसके आसपास पर फोकस करने का काम करें। और आप देखोगे तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, है ना, छोटा नागपुर उन्नति समाज, तो याद रखिए छोटा नागपुर अलग राज्य की मांग, साइमन कमीशन के आगमन पर झारखंड के किस संस्था ने की, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने की, ठीक है, किसने की, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने की, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट